हेलो स्टूडेंट्स, एकेटीयू ने 31 दिसंबर 2022 को अपना एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने शैक्षिक सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर के परीक्षा हेतु छूटे अपूर्ण फॉर्म भरे तथा परीक्षा शुल्क जमा किए जाने के संबंध में ये सर्कुलर निकाला है। इस सर्कुलर में उन्होंने बताया है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर के स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों समस्त पाठ्यक्रमों के फर्स्ट सेमेस्टर तथा बीटेक, बीफार्मा, एमसीए एवं एमबीए पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर को छोड़कर में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों के प्रथम चरण की परीक्षाएं दिनांक 4 जनवरी 2023 से दिनांक 25 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाना निर्धारित है। उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त पाठ्यक्रमों के ऐसे छात्र छात्राएं जिनका परीक्षा परिणाम अपूर्ण अथवा अध्ययन घोषित अघोषित है को विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर द्वारा दिए गए निर्देशों छात्रहित के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु ईआरपी पोर्टल खोला जा रहा है। उसका फर्स्ट जो आपका उनकी शर्त है वो ये है कि सत्र 2021-22 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र छात्राओं के लिए है। उसमें उन्होंने बताया है कि सत्र 2021-22 में के द्वितीय वर्ष के ऐसे छात्र छात्राएं जिनका कैरी ओवर चैलेंज मूल्यांकन का अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा परिणाम अपूर्ण अथवा अध्ययन घोषित नहीं है को सत्र 2022-23 के फिफ्थ सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी जा रही है। इस शर्त के साथ दी जा रही है कि यदि उनका द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम पास पीडब्ल्यूजी पीसीपी स्टेटस होता है तभी विश्वविद्यालय द्वारा उनके फिफ्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि उनका द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण फेल या फिर एनपीवाईटी स्टेटस होने पर फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम को अमान्य या फिर हम शून्य बोल सकते हैं माना जाएगा तथा ऐसे छात्रों को अपने तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में रीएडमिट या एक्स स्टूडेंट के रूप में सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर के द्वितीय चरण जो मार्च के महीने में 2023 में संभवित होंगी की परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा जिससे कि छात्र के शैक्षिक सत्र में क्षति ना हो। सेकंड उनकी जो शर्त है वो ये है कि सत्र 2021-22 में तृतीय वर्ष की परीक्षा सम्मिलित हुए छात्राओं हेतु सत्र 2021-22 में तृतीय वर्ष के ऐसे छात्र छात्राएं जिनका कैरी ओवर चैलेंज मूल्यांकन का अथवा अन्य किसी कारण से परीक्षा परिणाम अपूर्ण अथवा अध्ययन घोषित नहीं है को सत्र 2022-23 के सेवन सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम भरने की अनुमति इस शर्त पर दी जा रही है कि यदि उनका तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम पास पीडब्ल्यूजी या पीसीपी स्टेटस होता है तभी विश्वविद्यालय उनको द्वारा उनके सेवन सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और यदि उनका तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम फेल या एनपीवाईटी होता है स्टेटस होने पर सेवन सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम को अमान्य या शून्य माना जाएगा तथा ऐसे छात्र छात्राओं को अपने फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा में रीएडमिट या एक्स स्टूडेंट के रूप में सत्र 2022-23 की परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर इस प्रकार दिया जाएगा जिससे कि छात्र के शैक्षिक सत्र की क्षति ना हो। तीसरी शर्त उनकी ये है कि सत्र 2021-22 में चतुर्थ वर्ष 5 वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा सम्मिलित हुए छात्र सत्र 2021-22 के फोर्थ ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनका कैरी ओवर चैलेंज मूल्यांकन का अथवा अन्य किसी कारण से परीक्षा परिणाम अपूर्ण घोषित है को सत्र 2022-23 के नाइन्थ सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति इस शर्त पर दी जा रही है कि यदि उनका फोर्थ ईयर का परीक्षा परिणाम पीडब्ल्यूजी पीसीपी पास स्टेटस होता है तभी विश्वविद्यालय द्वारा उनके नाइन्थ सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और यदि उनका चतुर्थ वर्ष का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण
फेल एनपीवाईटी होने पर नाइन्थ सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम को अमान्य शून्य माना जाएगा तथा ऐसे छात्रों को अपने नवम सेमेस्टर की परीक्षा में री एडमिट एक्स स्टूडेंट के रूप में सत्र 2022-23 की परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर इस प्रकार दिया जाएगा जिससे कि छात्र की शैक्षिक क्षेत्र की क्षति न हो। उपरोक्त की दृष्टिगत ऐसे सभी छात्र छात्राएं जिनका परीक्षा फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है उपरोक्त नियमों शर्तों के अधीन दिनांक 2 जनवरी 2023 को साय 5 बजे तक पोर्टल को खोला जा रहा है तथा परीक्षा फॉर्म तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु ईआरपी पोर्टल खोल दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने संस्थान में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को उपरोक्त के संबंध में सूचित करते हुए संबंधित छात्रों को तत्काल समयानुसार परीक्षा फॉर्म भरवाने एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। अगर इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से दोबारा अपडेट किया जाएगा। थैंक यू।